बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जमुरे भाई जागो ना बह जाए जल सारा, आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जल धारा। जल सारा जल धारा जल सारा जल धारा जल सारा जल धारा जल सारा जल धारा जल धारा। मैं आकाश फिर आया हूँ एक नई कथा और नए गांव के साथ, आपको सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के नए नए पड़ावों पर ठहराता हुआ, कामयाबियों और सफलताओं की अद्भुत कथाएं सुनाता हुआ मैं आकाश आज फिर आपको लेकर चल रहा हूं एक नई दिशा और नए मंजर की ओर। आइए इस गांव में घटी घटनाओं पर एक नजर डालें। हर घटना का देखिए केवल उजला पक्ष, तभी मिलेगा आपको इस जीवन में लक्ष्य। आइए चले एक नए लक्ष्य की ओर नए नए किस्सों के साथ। सौराष्ट्र के जामनगर जिले के जामजोधपुर तालुका में बसा एक छोटा सा गांव सड़ोदर। कहने को छोटा सा गांव है पर यहां की कई बड़ी ऐतिहासिक धार्मिक एवं आधुनिक घटनाएं हैं। सड़ोदर गांव जाम महाराजा की जन्म स्थली है, इन्हीं के नाम पर जामनगर का नाम पड़ा। अंग्रेजों के समय से बना गेस्ट हाउस है जहां उनके वंशज आकर ठहरते थे, वहीं उनका हेलीपैड भी है लेकिन आज की तारीख में ये उपयोग में नहीं है। गांव के अंदर ही जाम महाराज के काल की कहानी कहता किला भी है जो आज जर्जर अवस्था में सुनसान पड़ा है, लेकिन यही एक और विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ था। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की और वहीं उन्होंने आज का सबसे विख्यात खेल क्रिकेट सीखा। इस खेल में उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर अंग्रेजों ने पूछा कि आपने कहाँ का पानी पिया है, तो उन्होंने गर्व से न केवल अपने गांव सड़ोदर का नाम लिया बल्कि गांव के उस कुएं से एक बोतल पानी भी मंगवा कर अंग्रेजों को दिया। महाराजा रंजीत सिंह का सम्मान हमारे देश में भी हुआ और उन्हीं के नाम पर यहाँ रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई। जडेजा खानदान की जड़ें भी इसी गांव में हैं, जिनके वंशज अजय जडेजा ने भी क्रिकेट जगत में अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। और पीछे जाएं तो सड़ोदर की धरती पर पांडवों ने भी वनवास के दिनों में कदम रखे थे। माँ कुंती की इच्छा पूरी करने के लिए एक गुफा में भीम ने फूल से शिवलिंग की स्थापना की थी। बाद में यह फूलेश्वर मंदिर या फूलनाथ महादेव के नाम से जाना गया। यहाँ हर वर्ष लगने वाले मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कुंडों में स्नान कर मंदिर के दर्शन करते हैं। समय हर समय अपना स्वरूप बदलता है, वो पल पल को अपने साथ लेकर चलता है और अलग अलग हालातों में अपने आप को बदल लेता है। इसीलिए इंसान को सिर्फ अभी अर्थात इसी क्षण में जीना चाहिए, तभी उसका जीवन पूर्ण होता है। भूत भविष्य की फिक्र से समय होता नाराज, कहता है कल की सोच में बिगाड़ो नहीं आज। 80-90 के दशक में पड़े भयंकर अकाल रूपी नाग ने एक और गांव को डस लिया। सड़ोदर गांव के ग्रामवासी और मवेशी बेबस हो गए। ऐसे में खोपाला मॉडल की सफलता के बारे में सुनकर दो बसों में भरकर ग्रामवासी खोपाला गए। वहां पानी से आए परिवर्तनों से इतने प्रभावित हुए कि फौरन सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क करके सड़ोदर में भी चेक डैम बनाने का अनुरोध किया। ट्रस्ट ने सर्वे के बाद बताया कि ये वहां संभव है। फिर क्या था, 60% सरकारी अनुदान और 40% लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा होते ही
सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों ने तालाबों की खुदाई एवं तकनीकी टीम ने चेक डैम्स का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। निर्धारित समय में तकरीबन 80-90 चेक डैम्स और तालाब तैयार हो गए। जेसीबी मशीनों ने 1000 घंटे तक कार्य किया और ट्रस्ट ने 1200 सीमेंट की बोरियों का योगदान दिया। एक बार फिर मौसम ने करवट ली और बरसात की तेज फुहारों ने सब चेक डैम्स और तालाबों को लबालब भरकर एक और गांव को खुशहाल और हरा भरा बना दिया। जलधारा ट्रस्ट के मथुरभाई सवानी की तरफ से बहुत सहयोग मिला। ट्रस्ट की ओर से 1200 थैलियां सीमेंट मिली और 1000 घंटे जेसीबी का काम चला। जल संचय होने से पानी का तल ऊपर आ गया, जिससे पैदावार बढ़ गई, जिससे फसलों का उत्पादन बहुत बढ़ गया। गांव के किसानों को तो फायदा हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ रोजगार के भी काफी अवसर बढ़ गए। गांव खुशहाल हुआ। ऐसा अगर दूसरे गांव वाले भी करने लगे तो बहुत फायदा होगा। सड़ोदर गांव में पानी से आए परिवर्तनों से खुशहाली व जागरूकता हर क्षेत्र में दिखने लगी है। बच्चों को विद्यालय भेजा जा रहा है। शारीरिक व्यायाम के समय बच्चों को प्रांगण में गोलाकार खड़ा करके अलग अलग खेल खिलाए जाते हैं। प्रार्थना में वंदे मातरम भी गाती हुई बच्चियां बहुत प्यारी लगती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी विद्यालय होने से 100% साक्षरता है। यहाँ से अहमदाबाद के गुरुकुल में गए एक विद्यार्थी ने संस्कृत में स्वर्ण पदक भी जीता है। कुछ ग्रामवासियों ने दुकानें खोल ली हैं एवं औरों के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में भी विशेष रुचि दिखाने लगे हैं, जैसे एक सार्वजनिक गौशाला का निर्माण, जहां सुबह सवेरे बड़ी संख्या में गाय भैंसे चारा पानी पीकर जंगल में चरने ले जाई जाती हैं। पर्यावरण की शुद्धि के लिए श्यामजी बापा एवं कुर्ची पापा नामक दो वृक्ष प्रेमियों ने न केवल वट वृक्षारोपण किए बल्कि आज भी अपने कंधों पर कावड़ों में पानी लाकर उन पेड़ों को सींचते हैं। उनकी इस सेवा भावना से प्रभावित होकर सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने सुपेड़ी गांव में हुए जल संचय जन जागृति समारोह के कार्यक्रम में कुर्जी बापा को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया। गांव कमेटी के सदस्य नाथा भाई को दूसरी पदयात्रा समापन समारोह में उचित योगदान के लिए रमेश भाई ओझा ने सम्मानित किया। ग्राम वासियों की जागरूकता में महिलाएं भी अपने तरीके से सक्रिय हैं। एक महिला मंडल का आयोजन करके सत्संग से पैसा इकट्ठा करके गांव की तरक्की में योगदान करती हैं। सत्संग में भजन कीर्तन में नृत्य, विकास कार्य की चर्चा आदि मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी दर्शाता है। घर घर में महिलाएं मक्खन बिजली की आधुनिक मशीनों से निकालती हैं, लेकिन पापड़ पारंपरिक तरीके से हाथ से ही बेलकर बनाए जाते हैं। दूध में सुखाकर ये स्वादिष्ट पापड़ तैयार किए जाते हैं। गांव की महिलाओं की पुरानी पीढ़ी ने पानी की बहुत किल्लत देखी और आज की युवा पीढ़ी तो पानी से आए परिवर्तनों से बहुत संतुष्ट है। जिंदगी में लगातार सफलता की आशा करनी आवश्यक है। मनुष्य को सदैव उसी के सपने देखने चाहिए। वही है जिंदा जो चल रहा है, वही है जिंदा जो गिर गिर कर संभल रहा है, वही है जिंदा जो लम्हा लम्हा खुद को बदल रहा है। भौगोलिक तौर से सड़ोदर और उसके आसपास के गांव समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर हैं। इस वजह से गांव के आसपास की पहाड़ियों पर पवन चक्कियां लगाकर उनसे बिजली का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। प्राकृतिक पवन से बिजली बनाने का ये कार्य बहुत निराला एवं विशाल है। सबसे पहले सर्वे करके स्थान सुनिश्चित किया जाता है, फिर वहाँ पर करीब 10-15 फुट गहरी नींव खोदी जाती है, जिसमें एक गोलाकार प्लेटफॉर्म रखा जाता है, जिसे पास के ही प्रोडक्शन हाउस में बनाया जाता है। वहीं पर लगभग 18 गोलाकार ब्लॉक्स का निर्माण
सरिये के एक साँचे में सीमेंट, कंक्रीट, मिट्टी, पानी और बर्फ डालकर किया जाता है। जब ये ब्लॉक्स सूख जाते हैं तो उन्हें एक विशेष रंग से रंगकर ट्रकों में डालकर सुनिश्चित स्थान पर लाया जाता है, जहां पर एक के ऊपर एक 18 ब्लॉक्स रखकर एक टावर खड़ा किया जाता है, जिसके अंदर सीढ़ी एवं ऊपर जाने का रास्ता भी होता है। फिर इस पर विदेश से लाई मशीन लगाकर उसमें 3 पंख लगाए जाते हैं, जिसमें हर पंख की लंबाई करीब 40 से 42 मीटर होती है। ये बड़े बड़े ट्रेलर में रखकर लाए जाते हैं। पवन के वेग से जब ये पवन चक्कियां चलती हैं, तो बिजली का निर्माण होता है। इन पवन चक्की से जुड़े बिजली के तारों से प्रभावित होकर ये विद्युत सब स्टेशन पहुंचती है, जहां से बड़े बड़े टावरों के जरिए इन्हें दूर दराज के सरकारी टावरों से जोड़ दिया जाता है, जिसका वितरण सरकार मांग के अनुसार अलग अलग गांव में करती है। अब केवल आसपास के गांव ही नहीं, पूरा गुजरात रोशन हो जाएगा। दूर दूर तक दिखती ये पवन चक्कियां यहाँ के विकास की कहानी कह रही हैं। अगर ऐसे ही साधनों का उपयोग हम करने लगे तो पूरे देश में बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। हर परिवर्तन कुछ नया लेकर आता है। किसी भी देश की उन्नति की प्रक्रिया गांव से होती हुई शहरों तक और शहरों से राज्यों और राज्यों से देश तक पहुंचती है। इस प्रगति में सभी शामिल होते हैं। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। प्रगति की राह यूं ही चलती रहे। जामनगर जिले में ही कालावड़ तालुका में स्थित है नवा गांव। ये गांव गुरजी पापा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने गांव में लगभग 5000 बड़ के पेड़ों का रोपण किया था, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध हवा और छाया तो मिल ही रही है, साथ ही इन पर लगे फलों से पक्षियों को भी खाना मिलता है। कुर्जी पापा के इन्हीं कार्यों की वजह से उन्हें राष्ट्रपति सम्मान के साथ अन्य सम्मान भी मिले। गांव वाले तो उन्हें एक संत के रूप में पूछते हैं। सूखे के दिनों में इस गांव ने भी अन्य कई गांवों की तरह बहुत दुख झेले हैं। ऐसे में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट का जन जागृति महासम्मेलन कालावड़ में हुआ। यहां के लोगों ने भी वहां जाकर और अपने गांव में मीटिंग करके ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने सर्वे के बाद गांव में लगभग 115 चेक डैम्स बनाने का सुझाव दिया। जब 60% सरकारी अनुदान एवं 40% लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा हो गया, तो गांव की विभिन्न नहरों पर चेक डैम्स बनाने का कार्य द्रुत गति से आरंभ हो गया। ग्राम वासियों का उत्साह रंग लाया और जल्द ही सारे चेक डैम्स बनकर तैयार हो गए। बारिश में तो सारे चेक डैम्स भरे ही, गांव की भी काया पलट हो गई। आज चेक डैम भी हमने जो लाभ दिया थे, इन चेक डैम्स के बनने से जो लाभ मिला है वो अकल्पनीय है। हमारे गांव की जो 7000 बीघा जमीन है, उसमें से 4000 बीघा में खेती होने लगी है। पहले हम एक मौसम में ही खेती कर पाते थे, अब हर मौसम में खेती की जाने लगी है। पहले हम पूरे गांव का 3 से 4 करोड़ का ही उत्पादन लेते थे, वो अब बढ़कर 8 से 10 करोड़ का हो गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस गांव में पीने का पानी नहीं था, बहनों को 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। अब 3 घंटे रोज पानी आने लगा है गांव में। पहले पानी 300 फीट गहरे से आता था, अब 15 फुट पर ही पानी मिल जाता है। जल संचय अभियान ने पूरे गांव को हरा भरा कर दिया है, इसलिए सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट का जितना आभार मांगे उतना कम है। गांव में जल संचय से कुओं का जल स्तर बहुत ऊपर आ गया है। कुओं में पंप लगाकर पानी निकाला जाता है और मात्रानुसार खेतों में छोड़ा जाता है। पानी की बहुतायत से गांव में कपास एवं मूंगफली के साथ साथ
गेहूं की भी खेती की जाने लगी है। ताज़ा सब्जियों के लिए प्याज, गोभी, मिर्च एवं अन्य सब्जियां भी उगाई जाने लगी हैं। साथ ही फलों में केले, पपीते, अमरूद एवं चीकू के पेड़ भी बहुत देखने को मिलते हैं, जिससे किसान समृद्ध होने लगे हैं। गांव में चेक डैम्स के साथ साथ कपड़े धोने के घाट का भी निर्माण किया गया है, जहां औरतें सामूहिक रूप से कपड़े धोती हैं। गांव में पानी की बहुतायत से दूसरे प्रांत के ही नहीं विदेशों के पक्षी भी यहां आने लगे हैं। उनका पानी में तैरना, आकाश में उड़ना लोगों का मन मोह लेता है। जागरूकता एवं समृद्धि आने से गांव के लोग अब एक बड़े आयोजन स्थल का भी निर्माण कर रहे हैं। गांव वालों के सामूहिक सहयोग से बनने वाले इस बड़े कम्युनिटी हॉल अर्थात आयोजन स्थल से विशेष अवसरों पर सुविधाजनक स्थल मिलने लगेगा और बरसों के इंतजार के बाद इस समस्या से भी गांव वालों को निजात मिल जाएगी। गांव में आज भी 100 बरस की एक महिला है, जिसकी देखभाल उनकी बात की सारी पीढ़ियां कर रही हैं। पानी से आए परिवर्तनों से नवा गांव में और भी आधुनिकीकरण हुए हैं। सड़ोदर गांव की तरह यहां भी आसपास की पहाड़ियों पर पवन चक्कियां लगाई गई हैं। इसके अलावा दोनों ही गांव में कई बड़ी मोबाइल कंपनियों के टावर लगने से ग्रामवासी इस सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं। आइए चलते चलते नवा गांव के पुराने शिव मंदिर का भी दर्शन करने चले। हंसते हुए चेहरों से है शहरों की जीनत, रोते हुए लोगों को मंजिल नहीं मिलती। निकला करो घर से कि तरक्की का दौर है ये, घर बैठ के सोने से मंजिल नहीं मिलती। कर्म और लगन का ये सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहेगा। तब तक मैं आकाश विदा लेता हूँ एक सप्ताह के। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतार गाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 02612532153, 09425454588।